मध्य प्रदेश के ग्वालियर अगले 5 दिन खास रहने वाले हैं। दरअसल यहां उत्सव इंटरनेशनल उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। ये आयोजन 5 दिनों तक चलने वाला है। खास बात यह है कि इसमें भारत सहित 5 देशों से 30 टीमों ने शिरकत की। आपको बता दें कि डांस फेस्टिवल में भारत के साथ ही ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका के 700 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए हैं। शनिवार की शाम डांस फेस्टिवल का कार्निवल के साथ रंगारंग आगाज हुआ। फूलबाग मैदान से कार्निवल शुरू हुआ, जिसमें भारत सहित 5 देशों के कलाकारों ने मार्च निकाला। इस दौरान शहर के चौराहों पर कलाकारों ने अपने देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रंगारंग प्रस्तुतियों को देखने के लिए लोग उमड़े, तो वहीं ताइवान के कलाकार भारत में आकर खुश नजर आए। कलाकार ने कहा कि भारत की संस्कृति समृद्ध है, ताइवान के कल्चर से बहुत अलग है। यही वजह है कि भारत में आने के बाद उनको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। इसके साथ ही कश्मीरी कलाकारों ने कहा, वह पहली बार ग्वालियर में कश्मीरी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां देने आए हैं। Great honor for Taiwan to be invited to be here to join this international dance and music festival. We have a team to come. This is the first time to be here, and we enjoy it a lot. And we hope that through these few days, we can make a lot of friends, our new young men, and they can appreciate the culture of India. So beautiful. So we love it. Thank you very much.